Hey guys, assalamu alaikum, aadab, sat sri akaal, vanakkam, welcome back to Thoda Purda. Hey guys, assalamu alaikum, aadab, sat sri akaal, vanakkam, welcome back to this channel. Make sure you guys subscribe to my channel and turn on the bell icon to be notified on my every update. Nahi bhai, dikkat kya hai aap? Kya hai? Dikkat kya hai? 1 lakh subscribers kar diye bhai ke aur videos bas 50,000 60,000 log dekhe. Kyun? Apun entertain nahi karega aapko. Apun ekdam entertain karega. Kya problem kya hai? अपन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है तो भाई आप अब बस खुश हो जाओ, क्योंकि तेलंगाना में कल से लॉकडाउन हटने वाला है। आई नो कि आप लोग कितने खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर ये खुशी के मारे लॉकडाउन खुल गया छुट गया, बल्कि रमेश चिन्ना छोटू जब्बार ना सब लोग मिल के बाहर रहेंगे, फिरेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बल्कि इधर बोले उधर फिरने चल जाएंगे, ये चल जाएंगे, वायरस चले गया नक्को समझो, बस लॉकडाउन खुला, वायरस नहीं गया, वायरस अभी भी वैसे से। तो आप लोग मेक श्योर ये करो कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो और एकदम सेफ रहो, जहां भी जा रहे हैं जरा देख समझ के जाओ, फिरो करो, गैदरिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व न हो, ठीक है। अपन ट्रैवल भी कर सकेगा क्योंकि कल से भाई सब कुछ ओपन है, और अभी अभी मैं नहा के आया इसीलिए अपन के बाल ना ऐसा एकदम 1990 के हीरो जैसे ऐसा पीछे है। क्या ईर्षान कैसा दिख रहा है अपन? सुपर। अरे ईर्षान भाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और क्या अपन के पास ना ये बॉक्स है, अपन को इसको अनबॉक्स करना है भाई, अपन अनबॉक्स करेगा, ठीक है? तो अपन इसको पहले फटाफट से अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। वाह शिट, विसल पोडू, चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रैवल बैग है। मेरी जिंदगी में मैं अब तक कभी भी ट्रैवल बैग नहीं खरीदा, अपना ये गिफ्ट है भाई। इधर आप देख लो, उनका नाम है नबील, वन ऑफ माय फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी। अब तक मैं जिंदगी में मतलब कभी खरीदा नहीं, कभी मैं अपने भांजे का बैग ले लेता हूँ, या कभी दीदी का बैग, या कभी बड़े भैया का बैग, अब तक अपन कभी खरीदा नहीं बैग। अब से ट्रैवल शुरू है, बोला आपको ट्रैवल बोलते किस समझ रहे, ट्रैवल बैग दिखा ना, समझ जाओ, तैयारी चल रही कहीं भी जाने की। हाँ ये ट्रैवल बैग में अब से मैं जहां भी जा रहा हूँ यही बैग कैरी करने वाला हूँ। अगर ट्रैवल करते करते कहीं और कुछ अच्छा बैग दिख गया तो अपन वो ले लेंगे, ठीक है? तो देखो आप देख लिए। और तो 3 महीनों के बाद मैं पहली बार कल जिम को गया, वो भी ट्रेनर मेरे को बुलाया, आके नवील कर लो आप, अकेले में आओ, कर लेके जाओ, बल्कि बोले तो मैं जो है गया। और ये 19 से जिम्स फुल्ली ओपन होने वाले हैं, और अब टोटल ओपन, महीनों के बाद जिम जाने के बाद तो वो फीलिंग कैसी है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करा। मेरी जिम पे जो भी नॉलेज है, मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें जिम के बारे में बोलना बोल के था, मेरे को सारे के सारे बोल दिया, वो जो है आप लोग ये पार्ट के बाद में देखो। और तो अभी अभी वरंगल डायरीज की शूट हुई, हम लोग मस्त मजे कर लेते हुए वरंगल डायरीज की शूट करे, खत्म करे, और नहा के आके बैठा मैं, तगड़ी मेहनत थी, अच्छा है, वीडियो मिस मत करना। अगर वरंगल डायरीज पे वीडियो आ गया, शायद ये वीडियो आए तक वरंगल डायरीज पे वीडियो आ जाता, जल्दी जाओ और देखो ऑनलाइन टीचर्स के बारे में वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब करो, सब्सक्राइब न करे तो। मेरे चैनल पे मैं वरंगल डायरीज के हर वीडियो के ब्लूपर्स भी डालने की कोशिश करता हूँ, आई विल डू दैट सून। सुबह धूप निकल रही, शाम में बारिश हो रही, सुबह बारिश हो रही, शाम में धूप निकल रही। अब समझ में नहीं आ रहा ये वेदर को मैं विंटर के जैसा ट्रीट करूं या समर के जैसा ट्रीट करूं। समर में और बाकी टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही प्रॉब्लम रहती, वो है स्किन ड्राई हो जाने की। स्किन एकदम ड्राई हो जाती, सूरत कैसा कैसा के दिखते रहती। स्किन रिफ्रेश्ड फील करने के लिए उसको हाइड्रेशन होना, जो कि आपको मॉइस्चराइज करने पे मिलती। सो यू नीड टू यूज मॉइस्चराइजर। आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विथ विटामिन सी एलोवेरा वाटर शी बटर और नियासिनामाइड। विटामिन सी कम्बैट्स फोटो एजिंग एंड बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। इसके फायदे क्या है? डीपली हाइड्रेट्स योर स्किन, suits to all skin types, made with natural ingredients and brightens your skin. I also have MamaEarth Ubtan Ultra Light Gel Oil Free Moisturizer hai with turmeric saffron and shea butter. Turmeric contains antioxidants and anti-inflammatory properties, makes skin glow and firms it. Iske fayde kya hai? Quick absorption, suits to all skin types, reduces sun damage and 24 hours hydration. Aur kaisa use karna ki dikhata hu main aap logo ko. Nahane ke baad ya fresh hone ke baad subah aur sham mein aap log kya kar sakte? Adequate amount mein leke aapke face pe laga ke massage karo, pure face pe आप लोग लगा सकते हैं, ears पे, neck पे और body hands पे भी लगा सकते हैं। And as you know, MamaEarth is all about goodness inside. Whenever you buy from them, they link your order on their website to a treat that they plan. MamaEarth has officially launched their app on iOS, also on Android. App users get early access on sales and extra discounts. If in case आप लोग को ये products खरीदना है, then link है description में, जाओ click करो, check करो, खरीदो। If you're buying from MamaEarth's website, then don't forget to use my coupon code Nabeel2021 to get 20% of discount. Also, you can buy them from Amazon and Flipkart, but वहाँ पे मेरा discount code नहीं चलता। I have one more surprise for you guys. As I said in my last video that we are giving away MamaEarth goodies, I'm going to announce 3 winners of giveaway. The first winner of giveaway is Mohammed Abdul Basit. And the second winner is MD Mehraj Ali. And the third winner is Mohammed Junaid. 3 winners hai. Jo bhi 3 log giveaway mein jeete, congratulations. Please, aap 3 log meri Instagram pe, aapka address aur contact details
DM कर देना, और कुछ इन्फॉर्मेशन होना है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करती, ठीक है। ये पार्ट मैं इसीलिए अलग शूट करा क्योंकि मेरे को गिव अवे के विनर्स अनाउंस करना था, मैं कर दिया, हो गया मेरा काम। दैट्स इट गाइस, बूम। टुडे इट्स वेडनेसडे, नहीं सॉरी टुडे इट्स थर्सडे। देखो लॉकडाउन में घर में रह रहे के ना डेट्स याद है ना डेज याद है। हमारे साथ इरशान भी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 10 दिन से कंटिन्यूसली बारिश की वजह से ये नंबर प्लेट का जो डबल स्टिकर है, डबल टेप उसका नंबर प्लेट का पीछे से उखड़ गया, उसकी वजह से नंबर प्लेट ऐसा राइट साइड से डाउन हो गई। तो ये काम कराना है और फिलहाल हम लोग अभी आज तकरीबन 3 महीनों के बाद जिम को जा रहे हैं पहली बार, तो इसीलिए आई थॉट कि आई मेक अ व्लॉग। ऑलराइट, जिम को देर हो रही पहले, रास्ते में मेरे को जो है उबेद को पिक करना है और खुशी हो रही आज से लगातार जिम करेंगे। बट सैड पार्ट इज मैं जो इक्विपमेंट मंगाया कल हम लोग एक डब्बे में पैक करके अंदर रख दिए, जब भी घर पे वर्कआउट करना दिल बोलेंगे या कहीं भी जा रहे अपन 1-2 महीने के लिए तो वो सामान लेके जाना फिट रहने के लिए, यू कैन टेक दी इक्विपमेंट एंड वर्कआउट। तो अभी फिलहाल जिम शुरू हो गया और हमारे ट्रेनर सुधाकर अन्ना जो है आओ डार्लिंग जिम को आओ मेहनत करो बोल रहे हैं। मैं जिम को जाने से पहले ओट्स खाया और आप लोग देख सकते हैं हर जगह से बाल बढ़ रहे हैं मेरे, यहाँ पे बढ़ गए बहुत बाल हैं, किधर सेट करे तो भी सेट नहीं हो रहे। फिलहाल ये एक जोन रहता और 1-2 महीनों तक नबील बाल इधर से उधर से आ जा रहे हैं, अनकंफर्टेबल दिखता और कट करा लेंगे क्या बोले सा दिखता, बट अगर आप कट करा लिए तो समझो वहीं जब आप हार मान गए, बढ़ा नहीं सकते आप जिंदगी में कभी भी बाला। तो फिलहाल अब मैं वो जोन में हूँ, देखेंगे अब उसमें से मैं कैसा बच के निकलता हूँ। हेयर बैंड लगा लेना अगर बाहर कहीं भी जा रहे तो, ज्यादातर लोग हेयर बैंड भी प्रेफर नहीं करते बिकॉज हेयर बैंड से क्या होता अपनी जो सामने की जो हेयर लाइन रहती वो ऊपर चढ़ जाती लगातार। और मैं जिम को जाने मोस्टली गाड़ी प्रेफर करता हूँ, गाड़ी पे क्या है थोड़ा बाहर फिर के आए हवा खा के आए बोले जैसा जिंदा है बोले जैसा दिखता, बट आज बारिश हो सकती शायद, बल्कि मैं कार निकाला काले बादल आ गए, वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है और बस यही है समाचार। उबेद यहाँ पे DIG के पास आता हूँ बोला उसको पिक करना है। क्या यार उबेद भाई ऐसा रहता, मैं घर से निकलते खत जब ये व्लॉग स्टार्ट करा जब फोन करके बोलने लगा उबेद को कि उबेद तुम घर से निकलो DIG के पास आके ठहरो, अब निकला ना घर से अब उन कब चल लेते आना हमला कब जिम को जाना, बोलो यार ओ इरशान भाई तुम बोलो। फोन करके आधा घंटा हो रहा अभी तक नहीं आया। अरे अरे और नहीं डालना, आधा घंटा नहीं हो रहा, फोन करके 10-15 मिनट तो हो रहा, कहा गालियां देता हूँ कि बोल के आटे चढ़ के भाग के आया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, खैरियत सब, क्या हुआ कैसा आया बेटा? ऑटो में आया हूँ, आज किस्मत को नबील भाई गाने नहीं सुनना बोल के ऑटो मेरे पास आया, मैं ऑटो में जल्दी जल्दी चढ़ के आ गया, नबील भाई गुस्सा नहीं कर दो। ये जिम का सामने का गेट है, एंट्रेंस बंद कर दिए हम लोग, सेलर से घुस के आ रहे। रुको रुको लिफ्ट रोको लिफ्ट रोको, देखें लगा लिफ्ट भी नहीं रोक रहे अपने लिए। फिलहाल हमारा जिम पूरा एम्प्टी है, ये हमारे सुधाकर अन्ना ट्रेनर है, जब से बोल रहे थे कि जल्दी आओ जा, अपन कहाँ सुनते बोलो, थोड़ा लेट हो गई। और हमारे अरविंद साहब भी हम लोग चोरी छुपे आके अच्छा वर्कआउट कर ले रहे हैं मेरे को बिना बोले, ऐसा कैसा हो सकता। पूरे सिर्फ वार्म अप्स है, अपन 3 महीने के बाद आए इन्हों अपडेट होके मजा आ रहा मस्त, वर्कआउट तो भी आगे। अरविंद भाई को देखे हमारे स्मार्ट बॉय अरविंद भाई, हेलो बोलो हमारी पब्लिक को। हेलो हाय, वरंगल के सबसे रिच इंसान है बरिस्ता जो है अरविंद भाई लोगों का ही है। अरविंद भाई बहुत अच्छा वर्कआउट करे मेरे साथ इससे पहले के ब्लॉग में, सासारी फुल वर्कआउट करना है अभी। आई अप्रिशिएट सुधाकर भाई, इज सो गुड ऑल द टाइम, बहुत अच्छा से सिखाते बहुत अच्छा से बोलते एक्सप्लेन करके। मैं पहली बार जब जिम में आया था एक दोनों ऐसे हंसी मजाक करे बीस्ट पल के टी शर्ट पहन लेके आया था, मैं कम वर्कआउट कर रहा था कम वेट उठा रहा था, तो पहने से वो 20 टी शर्ट को वेट उठा कुछ भी सेट हुआ क्या बोले, मगर उससे 3 दुगना वेट उठाने लगा है मेरे से नो हल्लू हल्लू। किसके भी बात अपन केयर नहीं करना, अपना काम अपन करना, अपना वर्कआउट अपन करना, बल्कि अच्छे टिप्स दिए, अच्छा ट्रेन करते सुधाकर भाई, आई अप्रिशिएट हिम माई फ्रेंड। 19th से जिम
जिम ओपन है इफ यू आर फ्रॉम वारंगल. इफ यू आर इन सर्च ऑफ गुड जिम अच्छे इक्विपमेंट के साथ तो सी एस जिम बाला समुद्रम में है, रिलायंस के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट जिम. ऐसी मशीनरी पूरे वारंगल में कोई से भी जिम में नहीं है. एंड आई एम प्राउड दैट कि आई एम द जिम्स मेंबर सिंस एन ईयर. Precautions to be compulsorily followed. जो भी जिम में जाओ तुम लगा मशीन को पहले जो है जहाँ पे भी आप हाथ लगा रहे पकड़ रहे सैनिटाइज करो पोछो फिर उसके बाद में तुम करो कोई और अगर कर रहे तो ठीक है. वाह मैं बारिश का नाम ऐसा लिया कि नहीं कि बारिश हो रही बहुत अच्छा दिख रहा बाहर मौसम एकदम ठंडा हो गया ऐसी ठंडी ब्रीज अंदर आ रही बारिश में वर्कआउट मजा आ रहा बहुत मजा आ रहा. और थ्रोइंग बॉल देख रहे तो नबील भाई को देख रहे तो और मेरे को भी करना बोल के मेरे माइंड में आ जा रहा. मैं जितने भी लोग यहाँ जिम कर रहे हैं ना उन लोगों को देख रहे तो मैं भी ऐसी बॉडी बनाओ जैसे कि हमारे नबील भाई की बॉडी जैसी है पंपिंग हो रही वैसे ही मेरे को करना बोल एक टाट है माइंड में. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. फर्स्ट डेज फटा दे रहे भाई. यू कैन सी मी स्वेटिंग. जिम बोले तो इट्स नॉट ओनली लाइक कोई देख रहे अपन आए कर लिए बॉडी बन गई दिखा लिए नहीं मतलब मैं हमारे ट्रेनर जो मेरे को बात बोले वो बोलो अपनी बॉडी को अपन जितना रेस्पेक्ट दे के डिसिप्लिन रह के अच्छा डाइट वर्कआउट कर रहे भी तो अच्छा आराम से जितना वेट हो सकता उतना अच्छा करेक्ट वे में करे तो बहुत अच्छा है. 20-20 40-40 किलो डाल के करेंगे तो हाथों पैरों पकड़ लेते अपन पैसे डाल के इतने अच्छे कपड़े खरीदते इतना अच्छा खाना खाते इधर उधर फिरते करते हर चीज़ को अच्छी रेस्पेक्ट देते बट बॉडी बिल्डिंग को नहीं मतलब अपने खुद के बॉडी को केयर नहीं करते. मे बी 1.5 आवर्स से हम लोग कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे इन्हों रेस्ट भी नहीं लेने दे रहे भाई अल्लाह ने हो रहा चल देंगे चल बेटा और एक सेट है कर लेके निकलना है. हल्लक पूरी सूख गई होटा पूरे सूखे सूखे हो गए और जिम करते वक्त स्टे हाइड्रेटेड. और जितने भी लोग ये वीडियो दिख रहे हैं इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू जिम मैं बस जिम कर रहा हूँ और ये जिम को आप बोल रहा हूँ बोले जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है. गिव टाइम फॉर योर बॉडी. आपके घर के करीब में जो भी जिम रहे जाके ज्वाइन हो जाओ अच्छी फोकस करो बॉडी पे. और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन देख ले रहे यूट्यूब पे या किसी के पर्सनल बॉडी बिल्डर के वेबसाइट्स पे जाके उन लोग के वर्कआउट्स लोग कैसा कर रहे हैं सब देख लेके उन लोग को फॉलो हो रहे. व्हाट आई सजेस्ट टू यू गाइस इज उन लोग बोल रहे बल्कि दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट करना ऐसा ऐसा नको रखो. मेक श्योर यू गिव 45 मिनट्स टू 1 आवर टू योर बॉडी. एक एक दिन में अपन दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट करते कि दुबले हो जाते पतले हो जाते मस्त दिखते गल जाते बॉडी निकल जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है. दिन में बस 45 मिनट से एक घंटा आप जो है बॉडी को दियो जिम करो. और बहुत सारे लोग ऑनलाइन में सजेशंस ले लेते इसको उसको जो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है उन लोगों की बॉडी ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड रहती तो लोग 10-10, 15-15, 20-20 किलो डाल के भी करे तो अच्छा दिखता बट अपन उतना नहीं कर सकते. वो लोग जो सजेशंस दे रहे जैसे प्रोटीन हो या कुछ भी अपन किसको की पूछ लेके नहीं करे जैसा आपके घर के करीब में जिम है या अच्छा कोई ट्रेनर मालूम है तो उनके पास जाओ उनको आपकी बॉडी दिखाओ आपकी बॉडी कैसी है आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है फिर BCAA लेना नहीं लेना प्रोटीन लेना नहीं लेना सब चीज़ें वो लोग बोलते और आपको दिन में कितना वर्कआउट करने की ज़रूरत है वो भी बोलते. तो हमारा वर्कआउट फाइनली हो गया एंड आई जस्ट प्रॉमिस टू माई ट्रेनर कि आज से रोज़ आऊँगा एटलीस्ट एक 3-4-5-6 महीने भी मैं स्पेंड कर लिया जिम करते डिसिप्लिन वे में अच्छा डाइट लेके जबरदस्त बन जाता हूँ भाई आई एम श्योर अबाउट. सो लेट्स गो आउट फ्रॉम हियर जाएंगे अभी वापस जाके एक माइक का काम है वो करेंगे घर को जाके. वी जस्ट रीच्ड होम और हमारे पास ये काम था करने के लिए ये रोड वीडियो माइक NTG ऑन कैमरा शॉटगन माइक्रोफोन है जो कि मैं लास्ट ईयर 2020 सितंबर में लिया और अभी फिलहाल जून का महीना चल रहा इट्स नियरली 1 ईयर बट एक साल हुआ नहीं अभी. H-2 शॉर्ट फिल्म हम लोग जब शूट कर रहे थे तब जो है हॉस्पिटल में बिल्कुल ये हाइट से माइक जो है बूम पोल के साथ नीचे गिर गया. नीचे गिरते वक्त इसके साथ यहाँ पे ऑक्स कनेक्टेड था वायरलेस गो माइक्रोफोन का जो ऑक्स रहता 3.5 mm जैक इसके अंदर कनेक्टेड था
और माइक उधर ही गिरी गिरे तक इसके अंदर क्या हो गया मालूम नहीं। वायरलेस गो के साथ यूज करेंगे बोले तो चल रही नहीं, एक चैनल में आ रहा, कभी कभी एक चैनल में नहीं आ रहा। वायर के साथ यूज करेंगे बोल के भी देखे, वायर के साथ भी यूज करने नहीं आ रहा। तो अब इसका प्रॉब्लम या कहीं भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे तेलंगाना में भी सर्विस सेंटर्स नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है। तो मैं रोड को ईमेल करा तो लोग फिर दिल्ली के सर्विस सेंटर को आप ये माइक भेजो, लोग करके देते आपको बोल के कुछ एड्रेस दिए, तो हम लोग वो एड्रेस पे अभी ये माइक भेजना। तो परसों तक एक्चुअली ये 15-20 दिन के नीचे करने का काम था, जब जो है दिल्ली में लॉकडाउन था और कुरियर्स नहीं चल रहे थे, उनकी ऑफिस बंद थी। अभी दिल्ली में रिलैक्सेशन चल रहा है, उनकी ऑफिस ओपन है, तो अपन ये कुरियर करेंगे। कुरियर करने के लिए ये बॉक्स, ये कवर, ये मामाअर्थ का बॉक्स है और ये कवर्स, ये माइक को जो है पैक करके उनको भेजेंगे और लोग रिपेयर करके अपने को वापस भेजते हैं हमारे पास। तो माइक भेजते वक्त आप क्या करो, उसकी जो इनवॉइस रहती है उसकी भी एक कॉपी रखो। नबील भाई बोल के उन्होंने बोले तो मैं एक नहीं दो कॉपियां रख लूँ इसके साथ। चलो अपन पैक करेंगे, पैक करके यहाँ पे अगर कुरियर ऑफिस खुली है तो लेके जाके कुरियर भी कर देंगे अपन। तो अपन इसको अच्छे से पैक करना, बिकॉज ये डेलिकेट चीज़ है बहुत, तो इसीलिए ये बुग्गे उग्गे बारिश में अगर कच्चा हो गया तो फिर दिस इज हाउ वी पैक्ड इट। चलो प्लास्टर लगाएंगे अपन हम इस पे। ऑलराइट, पैक हो गया बॉक्स, इसको अपने को अब दिल्ली को कुरियर करना है। कंपनी का एड्रेस है, एक बार जाके अपन यहाँ पे ब्लू डार्ट की ऑफिस पे चेक करेंगे, अगर हम भेज रहे तो भेज देंगे। 25,000 की माइक अब इधर उधर हो गई, कहीं भी चले गए तो पैसे गए तो गए, अच्छी कुरियर कंपनी से कुरियर करना अपन, समझ रहे। चलो जाके अपन वो काम करेंगे। द वेदर इज सो गुड आउटसाइड एंड सो कूल, ऐसे वेदर में लॉन्ग ड्राइव पे जाना दिल बोलता। कार में गए तो विंडो नीचे कर लेके जाना, गाड़ी पे गए तो मस्त अच्छी गाड़ी ले लेके जाना, कहीं भी दूर जाके चाय पी के आना या खेतों में बैठ के सब पीस कुछ भी इंजॉय करके आना। कहीं बोले बाहर गर्मी नहीं है, एकदम अच्छा वेदर है, बोलो चलो। ये कर्फ्यू की वजह से सिर्फ 5 बजे तक ही सब लोग ओपन है, टाइमिंग तो 6 बजे से है बट सब लोग 5 से क्लोज कर ले रहे। आई एम नॉट श्योर ये लोग अभी भेजते नहीं भेजते, हम लोग आए चेक करने के लिए एक बार, अगर हुआ तो कर देंगे। अब नहीं होता कहते कल सुबह लेते कहते। ये हमारे ईशान राइडर की गाड़ी है।